सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लकी नीड मोटिवेशन चैनल में। सो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द लिविंग वर्ड। ओके, तो गाइस मैं शुरुआत करने से पहले ही बता दूं, वीडियो को भाई साहब एंड तक देख लेना, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। बीच का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपको नीट में, अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। या तो आप जो आपके जो भी यूटीज या पेपर होने वाले हैं अभी 11th एंड 12th के बच्चों के लिए, उनको प्रॉब्लम आएगी। सो गाइस प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी ही कोशिश करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब भैया इसमें पूछ रहा है, भैया लाइफ होता क्या है? तो लाइफ इज़ अ, हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिविंग, तो फर्स्ट पॉइंट है, लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। ओके गाइज, एंड लेट द सेकेंड पॉइंट इज, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। सो गाइज, आप ये टेंशन मत लेना, मैं ये जो PPT निकाल के आपको पढ़ा रहा हूँ, सो ये सब पॉइंट्स जितने भी हैं ये सब उसी के पॉइंट्स हैं, बुक के ही पॉइंट्स हैं, इनमें आपको टेंशन लेने की कोई वैसी बात है नहीं। तो ज़्यादा टेंशन भैया लेना मत, कोई भी सोचो कि कहीं सर मतलब यहाँ से पढ़ा रहे हैं। सो गाइस, अब है अपना टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या प्रॉपर्टी शो करता है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ओके गाइस, अब देखो प्रॉपर्टीज़ और जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, उनमें आपको उलझना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ में आपको उलझना नहीं है बिल्कुल भी। सो पहला जो पॉइंट है वो है ग्रोथ। इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। जब तक प्लांट्स की लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इनकी ग्रोथ बढ़ती है, प्लांट्स में ऐसा होता है, ठीक है। इन एनिमल्स, अब एनिमल्स में ये होता है कि ग्रोथ इज़ ओनली अप टू अ सर्टेन एज, मतलब एक एज, एक आखिरी पड़ाव तक वो आगे जा सकते हैं बस, जैसे ह्यूमंस में होता है मैक्सिममली। आजकल की जनरेशन में ह्यूमंस में एज 60 to 70 आदमी ज़िंदा रहता है देखा जाए तो। थर्ड पॉइंट, बेसिकली ग्रोथ इज़ द इंक्रीज इन मास एंड साइज, थस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, सरफेस एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल। सो ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड, अंदर से होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। सो फर्स्ट पॉइंट इज, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेंसी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ये आपको बहुत पहले से पता होगा, 7वीं 8वीं 9वीं में ये सब पढ़ाया जाता है, 7th 8th 9th में नॉर्मली चीज़ें हैं। जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं, इसी चक्कर में ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेम होती है। किन में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टीसेलुलर में कभी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। सो गाइस, आपने थर्ड पॉइंट, ये जो लास्ट पॉइंट है इस पर भी आपको ध्यान देना है। मैनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जाम्पल म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूल ये होता है और वर्कर हनी भी ये होता है। सो
हैंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. रिप्रोडक्शन एक परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि इसमें अगर ह्यूमन चाहे या कोई भी ह्यूमन चाहे तो रिप्रोड्यूस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया इधर म्यूल्स वर्कर बीज इनफर्टाइल है ह्यूमन कपल्स एट्सेट्रा. ओके सो लेट्स बी कम ऑन थर्ड टॉपिक मेटाबॉलिज्म. सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम्स. इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, मेटाबॉलिज्म में ये होता है कि जो भी मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, 24 घंटा मेटाबॉलिज्म होता है अपने शरीर में. आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है. सो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ लेट्स कम ऑन सेल ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ टॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. ऑर्गेनिजम्स एक और एक से अधिक सेल से बने हुए हैं. इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है गाइज, और ये जो सॉरी गाइज मैं मेटाबॉलिक का दो पॉइंट मैंने छोड़ दिए थे मेटाबॉलिज्म की. मेटाबॉलिक से थर्ड पॉइंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स. सेल फ्री सिस्टम्स में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं. फोर्थ पॉइंट आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट आर लिविंग रिएक्शंस. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो विट्रो में होते हैं वो नॉन मतलब लिविंग थिंग नहीं होते, बट उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो लिविंग ज़रूर होते हैं. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. एक और एक अधिक सेल से बना होता है, पता लग गया. सेकंड पॉइंट इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, डिफाइनिंग फीचर्स भी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. ओके, अब अगर हम बात करें तो अपना लास्ट टॉपिक है कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस मतलब जैसे कि छुई मुई आपने सुना होगा प्लांट्स के बारे में, उनको छूते ही वो झड़ जाते हैं. इट्स लाइक अ फ्लो. सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू सेंस देयर एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स एट्सेट्रा. मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं एबिलिटी उनमें एबिलिटी होती है सेंस करने की इन्वायरमेंट को, मतलब महसूस करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं. अब आपको अगर कोई 10 झापड़ मार दे तो आप क्या रिस्पॉन्स नहीं करोगे, क्या बैठे रहोगे? सो जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, केमिकल पॉल्यूटेंट्स एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर दिया हुआ है. एंड लेट्स कम ऑन सेकेंड पॉइंट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. सो इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस. एक ह्यूमन ही है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका खुद का सेल्फ और कॉन्शियसनेस है. ठीक है, अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में. तो द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी. नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब्ड इज 1.7 to 1.8 million species are described. Okay, taxonomy very important part. सभी students ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा important part है. इसमें से लगभग 4 to 5 questions related पूछे जा सकते हैं paper में. अभी तक मैंने जो भी बताया उसमें से आपको ज़्यादातर MCQ में ही पूछेगा. इसमें से आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही पूछ सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव ज़्यादा चांस है कि सब्जेक्टिव ही पूछे, और ऑब्जेक्टिव में भी ये दिए जाते हैं बट कम. इट इज़ द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमिनिक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब देखो जैसे कि आप अगर आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आपको उधर क्लासीफाई करेंगे अलग अलग क्लासेस में, फिर नॉमिनिक्लेचर आपका नाम पूछेंगे. ठीक है, इट्स अ मैथड टू लर्न दिस 3 वर्ड्स, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमिनिक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सिस्टमैटिक्स, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स लैटिन सिस्टमा इक्वल्स
सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट डील्स विद एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. सिस्टमा नेचर इज द बुक. सिस्टमा नेचर एक बुक है जिसे लेनिस ने लिखा है. बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, बेसिक प्रोसेस है टैक्सोनॉमी के, वो है करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर. ठीक है, बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी. करेक्टराइजेशन क्या है भैया? अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा. सेकेंड टॉपिक आइडेंटिफिकेशन. अब भैया आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल. क्लासिफिकेशन, इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वेंशनड कैटेगरीज टैक्सा बेस्ड ऑन करेक्टर्स. ओके, सो क्लासिफिकेशन मतलब मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कि अगर आप दो मित्र हैं या दो दोस्त हैं तो आपको दो ग्रुप में अगर बांट दिया जाए तो उसी को हम क्लासिफाई यानी कि क्लासिफिकेशन कहेंगे. नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? गाइस दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आई एम मैंगीफेरा इंडिका. मैंगो को हम मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं एंड हनी बी को एपिस इंडिका. सो इट इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच that an organism is known by the same name all over the world. Okay, so diversity in the living world, the system of naming with two components is called binomial nomenclature. It is proposed by Linnaeus ne ise bataya. Botanical names are based on the rules in International Code of Botanical Nomenclature ICBN. It is very most important point in this topic. ये भैया आपको या तो देखिए ये तो आपको या पूछ लेगा ICBN को, आप ICBN की फुल फॉर्म बताइए आप, तो International Code of Botanical Nomenclature. ठीक है, ईजी. And fourth is also important. Zoological names are based on International Code for Zoological Nomenclature ICZN. Note down in your notebook. Mangifera indica and Panthera tigris. Okay. Universal. अभी मैं इसके बारे में बात करूँगा. मैं इसलिए अभी आपको बता नहीं रहा हूँ जो लोग जानना चाहते हैं. Universal rules of binomial nomenclature. Scientific names are Latin or Latinized and written in italics. When handwritten, they are underlined separately. आप जब भी लैटिन में लिखें और इटैलिक्स में तो आप उसे अंडरलाइन ज़रूर करें. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द फर्स्ट वर्ड इज जीनस नेम, जेनरिक नेम. अब मैं बताऊँगा कि जो भी मैं मैंगीफेरा इंडिका पैंथेरा टिग्रिस बता रहा था ये क्या था, क्यों था. ठीक है, अब आपको यहाँ पे टॉपिक क्लियर होगा इसका. द फर्स्ट वर्ड इज जीनस नेम, यानी कि जेनरिक नेम पहला वर्ड होता है, यानी कि जो ये जो मैंगीफेरा है ना ये जेनरिक नेम है. एंड सेकेंड वर्ड इज द स्पीशीज नेम, स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं इसे, स्पीशीज बोल सकते हो आप. तो इंडिका इज द स्पीशीज. ओके गाइस, सो पैंथरा इज अ जेनरिक नेम एंड टिग्रिस इज अ स्पीशीज. ईजीली वे टू लर्न. थर्ड पॉइंट, जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज नेम विद स्मॉल लेटर. अब जो जेनरिक नेम्स होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और जो स्पीशीज नेम होते हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं. इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. अगर आपने मैंगीफेरा में एम स्मॉल कर दिया तो आपके नंबर कट सकते हैं. ऑथर्स नेम इन एब्रीवेटेड फॉर्म अपीयर्स एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम. अब होमोसेपियंस लाइन, होमोसेपियंस लाइन क्या है? ये एक ह्यूमन का है नेम, ये ह्यूमन. अब ये जो जीनस नेम है वो है होमो एंड सेपियंस क्या है? स्पीसीज. ऑथर्स नेम लाइन, तो ये लिन जो आपको है ये लिखना है बट ये आपको लिखना ज़रूर है. अगर आप लिखेंगे तो आपको वैसे नंबर तो आपको पूरे ही मिलेंगे, अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन आप लिख दीजिएगा तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा.
अब हम बात करें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसको याद करने का एक और फॉर्मूला है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज को कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी रैंक। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जितनी भी कैटेगरीज होती हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की कंस्टिट्यूट की जाती है। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है क्लासिफिकेशन के यूनिट को। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड अ टैक्सोन। Very easy definition about taxon, you know that in fourth point. Example class mammalia. अगर आपको पूछता है taxon क्या है तो आप ये point लिख सकते हैं, a group of organisms occupying a particular category is called a taxon, occupying. Taxonomic categories, kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species. अब टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन में एनिमेलिया, कोडाटा, ममेलिया, प्रीमाता, होमिनेड, होमो सेपियंस, ठीक है गाइस। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में अगर हम बात करें तो स्पीशीज इधर लिखी हुई हैं, तो इनके बारे में आपको बाद में बात बताता हूँ। पहले आप इसके ऊपर ध्यान दें। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। Second point, it is the lowest category. And third point, it is the aggregates of closely related species. It's not a third point, it's a genus point. So, ये दो point ही हैं जो species में दिए गए हैं. Common name जैसे कि mango होता है, potato होता है, nightshade होता है, tomato होता है, brinjal होता है. So, guys, इनमें से जो main है वो है tomato, brinjal, mango is very important and lion, tiger, leopard and modern man is also important. So guys, lion, tiger, leopard ज़्यादातर पूछा जाएगा आपसे, और ये जो tomato, brinjal and mango हो गया ये भी पूछा जाएगा। अब ये जो mango और modern man है ये हो सकता है कि आपसे पेपर में ना पूछे, क्योंकि हर एक टीचर को पता है कि पहले से जब भी हम पढ़ते आते हैं एनसीईआरटी तो इनमें एग्जांपल्स में यही दिया जाता है मैंगीफेरा इंडिका एंड होमो सेपियंस। सो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप टोमेटो, ब्रिंजल ये सब ज़रूर पढ़ें। तो ये जितने भी यहाँ पे मैंगीफेरा, सोलेनम, 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 पैंथरा, 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 होमो लिखा हुआ है, ये जेनेरिक नेम है, बहुत ही ईजी है। पैंथरा, 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 लायन, टाइगर, लेपर्ड, तीनों में सा शुरुआत में पैंथरा ही लगेगा, लास्ट में लियो, टिग्रिस, पैराडिस लगेगा, ठीक है, आपको इजीली याद कर लेना है। जीनस के बारे में बात करते हैं, इट इज़ द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जीनस सोलेनम में क्या आता है? पोटैटोज एस्ट्यूब्रोसम, टोमेटो एस लाइकोपर्शियम, ब्रिंजल एस मिलेनोजेना, जीनस पैंथरा लायन, पैंथरा लियो, लेपर्ड पी पाडस, टाइगर पी टिग्रिस, जीनस फेलिस हाउस कैट, फेलिस डोमेस्टिकस जंगल ईट, जंगल कैट, फेलिस जॉर्जस। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, हम कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक को जो कि है अपना फैमिली के ऊपर नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस ये आपका फर्स्ट पार्ट था, अब आपका जो होगा वो होगा सेकंड पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अब बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और भी जो नई नई वीडियो आएंगी ताकि आपको पता लगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, शेयर अस फॉर योर मोर फ्रेंड्स एंड थैंक्स वॉच, बाय, सी यू नेक्स्ट डे।